किसान को हर तरह से झेलनी पड़ती है कुदरत की मार, वो सूखा हो या फिर ओलावृष्टि या फिर सर्दियों में पड़ने वाला पारा, हर मौसम में किसान को कुदरत की मार झेलनी ही पड़ती है। अभी से पारा पड़ने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें देखी जा रही हैं। किसानों की हो रही आलू की फसलों में ये पारा किसानों की फसलों के लिए काफी नुकसानदायक है, इसे लेकर किसानों में मायूसी छाई हुई है। वही किसान अब ईश्वर से अपनी फसल को बचाने के लिए, वहीं कुछ किसान सरकार से सहायता की गुहार लगा रहे हैं। सुनील कुमार शर्मा, ये आज जो पारा पड़ा है, ये बर्फ पड़ी है खेतों में, जिसमें कौन सी फसल में आपको नुकसान है, क्या कहोगे इसके बारे में? आलू की फसल में बहुत सारा नुकसान है, आलू बिल्कुल खराब हो गया है। एक तो किस्मत ही संग नहीं दे रही है, सरकार साथ नहीं दे रही है, कर्जा माफ करेंगे, इधर ये भगवान की मार, चारों तरफ से परेशानी, किसान तो बिल्कुल मर गया ये मान लीजिए आप। अब इस नुकसान को लेकर कितना, मतलब क्या कहोगे, कितना नुकसान आपको हुआ, आप क्या उम्मीद करते हैं भगवान से, क्या उम्मीद लगाते हैं? अब 50% करीब नुकसान हुआ है इस समय, और अगर कल और पारा पड़ गया तो 100% फसल नष्ट हो जाएगी। सरकार से निवेदन करते हैं हम कि इसकी कुछ भरपाई की जाए। भाई सरकार अगर साथ नहीं दे रही है तो कम से कम भगवान तो साथ दे हमारा। आपका यादवेंद्र, क्या ये जो पारा पड़ा है खेतों में, बर्फ पड़ी है, किस क्या क्या नुकसान है इसको लेकर? पारा खूब पड़ा है और भगवान साथ दे नहीं दे रहा है और सरकार भी साथ नहीं दे रही है। कितना नुकसान लगभग हुआ है आपका इस पारे से? नुकसान 10% पड़ा हुआ है। कल पारा पड़ गया तो किसान तो मरा पड़ा है। अब क्या उम्मीद करते हैं आप सरकार से? कोई सरकार से ही निवेदन करते हैं, कुछ सहायता राशि सहायता दे हम के लिए, तो मरे पड़े हुए।